वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में, सी में टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप कन्वर्जन का मतलब है किसी एक डेटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू हम किसी और डेटा टाइप के वेरिएबल में ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक डेटा टाइप किसी और डेटा टाइप में चेंज हो जाए। तो सी में इसे टाइप कन्वर्जन कहा है। टाइप कन्वर्जन दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जो हमारे लिए खुद कंपाइलर कर देता है, मतलब हमको कोडिंग करते समय कोई स्पेशल कुछ नहीं करना होता है, कंपाइलर खुद ही इस काम को हमारे लिए कर देता है। जैसे एक एक्सप्रेशन है, इसमें कई टाइप के वेरिएबल्स हैं, इंट भी है, फ्लोट भी है, डबल भी है, कई टाइप के वेरिएबल्स से मिलकर वो इक्वेशन सॉल्व करनी है कंपाइलर को। तो कंपाइलर क्या करता है, इस पूरी इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है उसे आइडेंटिफाई करेगा, और बाकी जितने भी छोटे डेटा टाइप है उन सबको वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, उस बड़े वाले डेटा टाइप में, जैसे इंट है, फ्लोट है, डबल है, तीनों वेरिएबल हैं किसी इक्वेशन के अंदर। तो फाइनली इंट भी किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, डबल में, और फ्लोट भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो डबल में। इंट को डबल में और फ्लोट को डबल में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब उनका क्या कर रहा है वो टाइप प्रमोशन। इसको एक और बात याद रखिए, आप इनको क्या कहते हैं, टाइप प्रमोशन करना। टाइप प्रमोशन करके एक टर्म है कि किसी वेरिएबल का टाइप प्रमोट कर दिया गया। इंटीजर को प्रमोशन मिल गया, वो क्या बन गया, डबल। फ्लोट को प्रमोशन मिल गया, वो क्या बन गया, डबल बन गया। और ये काम हमारे लिए कौन कर देता है, खुद कंपाइलर कर देता है। इसी से रिलेटेड ASCII वैल्यू का एक प्रोग्राम बनाया था हमने पहले, जिसमें हमने कैरेक्टर में वैल्यू ली थी और उस वैल्यू को किसको ट्रांसफर कर दिया गया था, इंट टाइप के वेरिएबल को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो वो कैरेक्टर वैल्यू ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो गई थी, इंट में, मतलब ASCII वैल्यू में कन्वर्ट हो गई थी। इस एग्जांपल को अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इस पूरे प्रोग्राम को आप देख के समझ सकते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को। सेकंड है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इस एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को ही टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में, मतलब किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते ही हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो दूसरा जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो बड़ा डेटा टाइप ही हो। हम इसको फोर्सफुली करते हैं, मतलब मैं फ्लोट की वैल्यू को भी किसमें चेंज कर सकता हूँ, इंट में। फ्लोट एक बड़ा डेटा टाइप है, कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। इंट एक छोटा डेटा टाइप है, कितने बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है। अब कंपाइलर मेरे लिए काम नहीं करता है, 4 बाइट को किसमें कन्वर्ट नहीं करेगा, 2 बाइट में नहीं कन्वर्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लॉस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। आप खुद ही सोचिए, 4 बाइट है मेरे पास किसी चीज को रखने के लिए, 4 बाइट है, उसी चीज को मैं किसमें शिफ्ट कर रहा हूँ, 2 बाइट में, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो लॉस होगी ही। इसलिए कंपाइलर हमारे लिए खुद नहीं करता है, हमें यह काम कैसे कराना पड़ता है, फोर्सफुली कराना पड़ता है कंपाइलर से, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में कंपाइलर खुद कर रहा था, जबकि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हमको कंपाइलर को फोर्सफुली कहना पड़ेगा कि आप इसको क्या करें, कन्वर्ट करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए कंपाइलर खुद नहीं करता है, हमको फोर्सफुली उसको कहना पड़ता है कि हमको ये कन्वर्जन करना ही है। ऐसा कन्वर्जन करने के लिए आपको उस वेरिएबल या उस पूरी इक्वेशन के आगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर टारगेटेड डेटा टाइप लिखना है, मतलब आप किस डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आपको लिखना है। तो कंपाइलर जबरदस्ती फोर्सफुली उसको उसमें कन्वर्ट करके ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक फ्लोट नाम का वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 1.5। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूं मैं बी। अब ए को किसकी वैल्यू देनी है, बी की, मतलब बी में किसकी वैल्यू आ जाए, ए की वैल्यू आ जाए। तो बी इक्वल टू ए लिखूंगा मैं, तो इधर ए तो क्या है, फ्लोट है, उधर बी क्या है, इंट है। तो कंपाइलर ये काम मेरे लिए करेगा नहीं, ए को किसमें कन्वर्ट नहीं करेगा, वो बी में, क्योंकि इंट छोटा डेटा टाइप है और फ्लोट क्या है, बड़ा डेटा टाइप है। अब मैं फिर भी फोर्सफुली चाहता हूं कि आप इसको कन्वर्ट करें, तो मैं इंट वाला वेरिएबल जो है बी, उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दूंगा, इंट। इंट लिखने के बाद ए किस टाइप का वेरिएबल था, आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल था, उसके आगे ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया है, इंट। अब कंपाइलर फोर्सफुली इस वेरिएबल ए जो कि फ्लोट टाइप का था, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इंट टाइप के वेरिएबल में, बी में। तो ए की वैल्यू थी 1.5, तो बी में कितनी वैल्यू जाएगी, सिर्फ 1.5 का इन्फॉर्मेशन का लॉस हो गया। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फोर्सफुली करना पड़ता है, इसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, और इन्फॉर्मेशन लॉस होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, टाइप कन्वर्जन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो या कोई भी आपको इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।